दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप। हम आपके लिए फिर से एक केमिकल गेट ले आए हैं और हम आज आपको पूरी जानकारी बतलाएंगे, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे ऐसे कमेंट आते हैं, बहुत सारे ऐसे फ़ोन आते हैं कि बार बार वो चीज़ें पूछते रहते हैं कि सर ये केमिकल गेट कैसा है, अच्छा है, घर के हिसाब से है। तो मैं आपको ये बता दूँ कि ये घर के हिसाब से बहुत अच्छा बना हुआ गेट है ये, और बस इसमें माइका की जगह केमिकल रहता है और इसमें फिनिशिंग माइका से भी तेज़ है, मैं तो ये कहता हूँ। देखिए आप फिनिशिंग, मैं इसे अनबॉक्सिंग करके बतला देता हूँ। ये देखिए दोस्तों, चमक देखिए आप फिनिशिंग। और दोस्तों एक ही साइड नहीं, इसमें दोनों साइड चमक देखिए आप। बिल्कुल कांच की तरह चमक रहा है बिल्कुल। दोस्तों केमिकल गेट बनाने के लिए अगर अच्छा लंबा चलने वाला बनाना है तो आपको अच्छी प्लाई पे बनवाना पड़ेगा। इसमें 3 गेज की प्लाइयाँ आती हैं, एक हल्की, एक मीडियम और एक अच्छी। जिस पे भी आप बनवाना चाहें उस पे बनवाएं, और ज़्यादा से ज़्यादा मीडियम पे बनवाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। दोस्तों केमिकल गेट में बहुत सारे डिज़ाइन आते हैं, आप डिज़ाइन सेलेक्ट करें, डिज़ाइन के हिसाब से आपके गेट बन जाएंगे। और इसमें एक ख़ास बात ये रहती है कि जैसे ही आपके डिज़ाइन तैयार होते हैं वैसे वैसे ही आप घर पे ले जाके इसको फिट करवा सकते हैं। इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, मुश्किल से आधे घंटे का काम रहता है और आपका दरवाज़ा तैयार घर में। दोस्तों ये केमिकल गेट होता है, ये केमिकल के द्वारा बनता है। ये इस पर ये पेपर होता है, वो पेपर के ऊपर ये केमिकल से ऊपर लेमिनेशन किया जाता है, और ये प्लेन में है। और इसी प्रकार दोस्तों ये 3D में होता है, ये 3D भी सेम वही प्रोसेस से बनता है, सेम प्रोसेस है। और दोस्तों केमिकल गेट ख़राब नहीं होता है, आपने आपके बुज़ुर्गों की या किसी की तस्वीर आपने पहले बनवाई होगी, घर में रखी होंगी, उनको देखिए आप, वो भी यही केमिकल होता है जो कि सालों से आपके घर में रखी है और आपको डोर के मारे में नहीं मालूम है कि केमिकल होता क्या है। तो वही फ़ोटो जो आप उठा के देखिए वही चीज़ इसमें रहती है सेम दोस्तों, जिसे हम लेमिनेशन फ़ोटो कहते हैं, वही ग्लोसी, वही सब कुछ, वही मटेरियल होता है, बस वो छोटे रूप में रहता है, ये बड़े रूप में रहता है। उसमें भी अपने फ़ोटो अपनी डिज़ाइन रहती है, ऐसे ही इसमें डिज़ाइन अपनी सिलेक्ट होती है और डिज़ाइन के ऊपर काम किया जाता है। ये दोस्तों इस गेट को आप आपके ड्राइंग रूम में, बेडरूम में, किचन में, हॉल में, जहाँ चाहें वहाँ आप आपके हिसाब से लगवा सकते हैं, डिज़ाइन आपके हिसाब से कर सकते हैं। और इसमें आल्ड्राप में भी आप कोई से भी प्रकार के ले लीजिए, हर आल्ड्राप इन केमिकल गेटों पे सूटेबल है, जम जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आती है इसमें। दोस्तों ये हर साइज़ में मिल जाते हैं, 6x3, 6.5, 7, 4 फिट में बन जाता है ये। आपको डबल पार्सन में बनवाना है डबल पोर्सन में बन जाता है, उसके डिज़ाइन भी अलग चाहिए हो तो अलग अलग डिज़ाइन में बन जाते हैं। दोस्तों कभी कभी समस्या यहाँ फंस जाती है, जैसे कि आप कहीं जाते हैं और कहते हैं दरवाजे की दुकान पे कि हमें दरवाज़ा बतला दो, दरवाज़ा का रेट बतला दो। तो दोस्तों हमारा कहना एक ही है कि आप पहले साइज़ ले लें, अपने नप्ते ले लें, नप्ते के हिसाब से रेट पूछेंगे तो परफेक्ट रेट बतलाएगा दुकान वाला, नहीं तो रेट नहीं बता पाएगा। तो दोस्तों आशा करता हूँ मैं कि मैंने आपको केमिकल के बारे में पूरी जानकारी दे दी, केमिकल गेट के बारे में। और जो भी कोई बातें और छूट गई हैं या आपके मन में जो विचार है आप कमेंट बॉक्स में टाइप करें, जिससे कि हम आपको उसका जवाब दे सकें, हो सकता है कुछ भूल चूक हो जाए। तो दोस्तों आजकल काफ़ी सारे घर बन रहे हैं और घर भी काफ़ी अच्छे अच्छे बन रहे हैं,
तो उनमें गेटों के लिए लोग परेशान होते हैं, कुछ लोगों को तो गेटों के बारे में मालूम नहीं रहता कौन सा गेट अच्छा रहता है, कौन सा लगवाना चाहिए नहीं लगवाना चाहिए। तो इसके लिए आप हमारी वीडियो को शेयर करें उनको और जानकारी दें कि वो ये वीडियो देखें, उनको पूरी चीज़ की जानकारी मिल जाएगी इसके द्वारा। और आप उनसे सब्सक्राइब करने का बोलें सबसे, जिनने नए लोग जुड़े हैं तो वो भी सब्सक्राइब करें, जिससे कि हम और आगे के लिए आपके लिए वीडियो बना सकें, नई नई जानकारियाँ ला सकें। दोस्तों ये थी हमारी केमिकल की वीडियो आज की, और अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और भी प्रकार के गेट वगैरह सब जानकारी और भी देंगे हम आपको, आपकी पूरी शंकाएँ ख़त्म करेंगे। तो आप शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, तब तक के लिए नमस्कार।